Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. Today is the video all about FEA lesson module 12 day 2 and topic name is pick your passion. Okay, so let's get started today's topic friend. So we have to go first lesson objective. So here is written why is it important to be passionate. Understand why is it important to be passionate about the work you do. Like the question is asking to you why it is important to be passionate about. So like whatever you are doing, if you are not passionate, so you cannot do well. So that's why if you are not passionate about your work, so you cannot do well. It is my opinion. You can share your thoughts about the first lesson objective and read the second. Understand that what they are good at, matlab aap kisme acche ho, what दे लाइक टू डू प्लस पैसन. आपको समझना होगा कि आप किस क्षेत्र में अच्छे हो, मतलब आपका क्या करना पसंद है एंड वाट यू लाइक टू डू. आपको क्या करना पसंद है, पैसन, आपका पैसन क्या है, आपका जुनून क्या है, आपको करना क्या है. सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू रीड इट एंड ब्रेन. थर्ड वन, ब्रेन स्टॉर्म आइडियाज प्लान एंड प्रेजेंट योर पैसन प्रोजेक्ट. लाइक यू हैव टू ऑल्सो मेक ए प्रोजेक्ट अबाउट लाइक करियर ट्री. आपको करियर ट्री बनाना होगा, लाइक जैसे कि आपको प्रोजेक्ट पे काम करना रहेगा, ठीक है. जैसे कि आपका पैसन क्या है, किस क्षेत्र में आपको प्रोफेशन आपका क्या है, तो आपको आगे कई प्रोफेशन आपको मिलेगा. जैसे टीचिंग हुआ, एक आप प्रोफेशन हुआ, इस तरीके से आपको प्रोफेशन मतलब कि जो है आप सेलेक्ट करोगे तो आपको किस पे जो है आपको प्रोजेक्ट बनाना रहेगा और जो है प्लान बनाना रहेगा कैसे जो है उस अपने जो है जिससे आप पैशनेट हो, जिस वर्क को आप करना चाहते हो, कैसे उसे अचीव कर सकते हो. तो दीज आर द थिंग्स यू विल टुडे यू विल गेट टू नो. ओके, स्ट्रेंथन लैंग्वेज बाय प्रैक्टिसिंग प्रीपोजिशन आर्टिकल्स एडवर्ब्स व्हाट आर द टेंसेस. लाइक इफ यू आर प्रैक्टिसिंग दीज आर द थिंग्स प्रीपोजिशन आर्टिकल्स एडवर्ब व्हाट आर द टेंसेस, सो यू कैन कम्युनिकेट वेल. टेक ओनरशिप बाय रिसीविंग द इम्प्लीमेंटिव फीडबैक. अगर आप जितने भी मतलब आपको फीडबैक मिल रहा है, यू हैव टू टेक एंड यू हैव टू यू नो उसे इम्प्लीमेंट करना है और जो है उसे डेवलप करना है आपकी जो है कमियाँ जो है. ओके, सो आई होप इट्स क्लियर. सो लेट्स गो पार्ट बी. इकी गई रूब्रिक. ओके, इकी गई रूब्रिक. सो पीपल, इकी गई रूब्रिक क्या है, इस रूब्रिक को फॉलो करके आपको प्रोजेक्ट बनाना रहेगा. अब जैसे आपको प्रोफेशन जो है आपका जो आप प्रोफेशन चुनो उस पर आपको जो है काम करना रहेगा, ठीक है. तो इसमें थ्री भागों में विभाजित किया गया है. अगर आप नीड टू इम्प्रूवमेंट वाला करते हो तो आपको बहुत ही कम पॉइंट मिलेगा, 0 to 0 points मिलेगा. तो इसको नहीं करना है. गुड अगर आप ज़्यादा अच्छा करोगे मतलब अच्छे तो आपको 3 to 2 मिलेगा, ठीक है. अगर आप इस तरीके से जो है आप प्रोजेक्ट को बनाते हो, अगर थर्ड वाला फॉलो करते हो तो आपको 5 to 4 मिलेगा, ठीक है. तो थर्ड वाला क्या है उसको बता देता हूँ, ठीक है. तो कवर्स द टॉपिक डेप्थ, मतलब आपको कवर करना है जो भी टॉपिक है उसको डेप्थ में उसको मतलब जाना है, कवर करना है. इंक्लूड ऑल द चैलेंजेस, मतलब आपको जितने भी अपने जो है पैसन को फॉलो करते हुए जो भी आपको चैलेंजेस आप फेस्ट किए हैं उसको जो है आपको है इंक्लूड करना है. बेनिफिट्स, टोटल ग्रेड्स, अदर वेरिएबल. सो जो भी आपका मतलब बेनिफिट्स जो है उससे जो है आपको पैसनेट हो उससे कैसे आप जो है अलग जो है आपका वैरियर है, अलग तरीके से जो है आप कैसे उसको जो है सॉल्व करोगे उसके बारे में है, ठीक है. तो जो है वहाँ पर जो है आपको प्रोफेशन जो है प्रेजेंटेशन भी जैसे लिखना रहेगा आपको. लास्ट जो है लास्ट डे आपका जो है 5 minutes का प्रेजेंटेशन रहेगा आपको टीम के मिला के जो आपकी टीम में हो, ठीक है. मेक एक्सीलेंट यूज कलर. लाइक अभी जो भी आप बनाए उसको जो है उसको अच्छे से जो है कलर करो, यूज कलर करो. डिजाइन इन्हेंस टू प्रेजेंटेशन और प्रेजेंटेशन को जो है इन्हेंस करो, ठीक है. अच्छे से प्रेजेंटेशन को भी तैयार करो, ठीक है. यू हैव टू प्रिपेयर योर प्रेजेंटेशन एज वेल. अगला क्या है, देन इन्फोग्राफिक वॉज इजी टू अंडरस्टैंड रिक्वायर्ड वेरी लिटिल एक्सप्लेनेशन. आपको जो भी बनाना है उसको जो है छोटे में लिखना है और जो है देखने में जो है इजी टू अंडरस्टैंड जो है जब भी आप बनाओगे उसको उससे बहुत मतलब अच्छे से बनाओगे जो भी देखने में जो समझने में जो आसान है, ठीक है.
So people, you have to also prepare your presentation. इकिगाई रूब्रिक रूब्रिक presentation, like presentation आपको तैयार करना रहेगा. You have to prepare presentation. इन 5 मिनट्स का प्रेजेंटेशन रहेगा. इसी पे आप किस चीज़ से पैसनेट हो, कैसे इसको आपको वहाँ पर जो है एक्सप्लेन करना रहेगा. ठीक है, तो आपके जो टीम मेंबर साथ में जो है टीम पूरा टीम मिला के 5 मिनट का प्रेजेंटेशन रहेगा सभी सभी टीम को. तो इस तरीके से जो है आपको प्रेजेंटेशन देना रहेगा. प्रेजेंटेशन देने का आपको जो है वही जो स्टार्टिंग हमने मॉड्यूल 1 डे 1 में पढ़ा था एलोकेशन रूब्रिक, उसको फॉलो करके जो है आपको जो है आपको स्पीच देना है. लाइक आपका जो है प्रेजेंटेशन जब दोगे तो उसमें आपको जो है आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर वेरी क्लियर होना चाहिए. थर्ड वाला अपनाएंगे तो आप ज़्यादा 5 से 4 पॉइंट मिलेगा. इसको नहीं अपनाना है. लास्ट वाला जो है इसको इसी तरीके से आपको जो है स्पीच देना है. व्हाट यू हैव टू डू पीपल, यू हैव टू टेक केयर ऑल द थिंग्स. सेंटेंस स्ट्रक्चर वेरी क्लियर एंड इंट्रो आपको इंट्रोडक्शन देना है. बॉडी कंक्लूजन आपको पूरा क्लियर होना चाहिए. प्रोनंसिएशन व्हाइल स्पीकिंग यू हैव टू एनहांस योर प्रोनंसिएशन. आपको प्रोनंसिएशन को भी केयर करना है. टेक केयर द प्रोनंसिएशन एज वेल. लाइक व्हेन यू आर बी स्पीक्स वी मेक लॉट्स ऑफ मिस्टेक व्हाइल स्पीकिंग. सो यू हैव टू टेक केयर ऑल द थिंग्स. इंट्रो बॉडी कंक्लूजन प्रोनंसिएशन ऑल द थिंग्स. लाइक एंड देन यू हैव टू टेक केयर जेस्चर एंड एक्सप्रेशन एज वेल. लाइक आपका जो है यहाँ पर लिखा है जेस्चर एंड एक्सप्रेशन. बॉडी लैंग्वेज जेस्चर फेशियल एक्सप्रेशन ऑल द थिंग्स आपको सही रहना चाहिए. ग्रेटली मैसेज जब भी वाइल स्पीकिंग व्हाट यू हैव टू टेक केयर और योर बॉडी लैंग्वेज. सम पीपल आर सीइंग द हियर एंड देयर. यू हैव टू टेक केयर. यू हैव टू सी द यू हैव टू मेक आई कॉन्टेक्ट विद ऑडियंस एज वेल एंड फेशियल एक्सप्रेशन ऑल द थिंग्स यू हैव टू यू नो डू. तो आपको सभी चीज़ों को देखना पड़ेगा. आपको जो भी मैसेज करें, जो भी आप स्पीच दें उसमें एक ग्रेटली मैसेज रहना चाहिए. एक मतलब कि पार्टिकुलर मैसेज रहना चाहिए उस स्पीच का. ठीक है, अगला क्या है, वॉइस मॉड्यूलेशन. जब भी आपका स्पीकिंग करोगे तो आपका टोन जो है वेरिएशन टोन आपका जो है अच्छे से रहना चाहिए. पॉज भी लेना है और नॉट ज़्यादा देर तक पॉज भी नहीं लेना है. ठीक है, मतलब जो है आप एक आराम से बोलेंगे जो है आसानी से. आपको टोन अच्छा रहना चाहिए, ना कि बहुत तेज़ ना बहुत धीमे. जो है ऑडियंस को जो बेटर रहे उस तरीके से आपको बोलना है. सो ये था. और वहाँ पे आपको एक वीडियो दिखाया जाएगा. वीडियो दिखाने के बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज़ द पैसन. मतलब आप व्हाट दे अंडरस्टैंड अबाउट द पैसन वर्ड. आप पैसन वर्ड से क्या समझते हो, पैसन से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा. दूसरा क्या रहेगा, आपको वहाँ पर एक पर्सनल स्टोरी, मतलब कि जो आप अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम अपने पैशन को फॉलो करते हुए आपने क्या जो है आपको क्या प्रॉब्लम फेस की है, इसके जैसे कई क्वेश्चन रहेंगे. अपना पर्सनल स्टोरी आपको लिखना रहेगा. दूसरे आपको 3-4 क्वेश्चन वहाँ पर देना रहेगा. लाइक आपने लाइफ में जो है अपना पैशन फॉलो करते हुए क्या प्रॉब्लम फेस किए, इस तरीके से कई क्वेश्चन रहेंगे. तो उसको आंसर देना रहेगा. देन ऐसे भी क्यूज की वीडियो अभी अपलोड करूँगा जल्दी ही, जैसे भी क्यूज वीडियो. देन आपका टॉपिक समाप्त हो जाएगा. आई होप ऑल द थिंग इज़ क्लियर. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस.